एक आदमी की जेब में 2000 की नोट और 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों इकट्ठे हुए। सिक्का तो एक पक्के फैन की तरह अभिभूत होकर नोट को देखे जा रहा था। नोट ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? सिक्के ने जवाब दिया, आप जैसा मूल्यवान व्यक्ति, इससे मिलने की इच्छा तो थी, सच हुआ है सपना तो खुशी से फूला नहीं समारा। बोला, अब तक मैं आप कितना घूम चुकी होंगी ना, मुझसे तो आपका मूल्य 2000 गुना ज्यादा है, तो कितने लोगों के काम आई होंगी आप। दुखी होते हुए नोट ने जवाब दिया, तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं एक बहुत ही बड़े उद्योगपति कब्जे में थी, उनकी तिजोरी में बंद थी, टैक्स कर चोरी के मामले में वो फंसा तो मैं बाहर निकली, मुझे लगा अब मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन रिश्वत के रूप में उसने मुझे अधिकारी के हाथ में रख दिया और फिर अधिकारी ने मुझे बैंक लॉकर में डाल दिया। वहाँ तो जैसे मेरा दम ही घुट गया, बस कुछ ही दिन पहले वहाँ से निकलकर इस इंसान की जेब में आई हूँ तेरे साथ। सच कहूँ तो मेरा जीवन तो मानो जेल में ही बीता है, तुम अपनी सुनाओ। सिक्के ने कहा, अरे दोस्त मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत घूमा, कभी भिखारी के पास जाकर उसकी मदद की, कभी बच्चे के पास पहुंचकर उसे चॉकलेट दिलवाई, पवित्र तीर्थ स्थान भी देखे मैंने और प्रभु के चरण भी छूकर आया जब भक्त मुझे उनके चरणों में रख दिया करते, कभी आरती की थाली में, कभी अल्लाह की चादर पर। ये सुनते ही नोट की आंखें भर आईं। अर्थात हम कितने बड़े हैं उससे ज्यादा ये जरूरी है कि हम कितने उपयोगी हैं। बड़े हैं उपयोगी नहीं तो क्या, लेकिन छोटे हैं और उपयोगी हैं वही तो असली मायने में बड़े हैं। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे, अर्चना की ओर से।